हे गाइस कैसे हो सभी। आई होप वैसे ही बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप गली विद एंजल किम। और मैं हूँ आपके साथ में एंजल किम और आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ओनली गुड वाइब्स, क्योंकि मैं आज यहाँ पर आपको एक लिए लेकर आई हूँ purple.com से गुड वाइब्स के ऑल प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू, जो कि ये हॉल है एक तरह से एक बहुत ही बिग हॉल है। मैंने बहुत सारी शॉपिंग की है, मैंने हेयर केयर स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट लिए हैं, अदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट लिए हैं जिनका मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या लिया है, कितने में लिया है, कैसे लिया है, ये सब बातें मैं आप लोगों से उसके बारे में शेयर करूंगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं, अगर purple.com के बारे में आप नहीं जानते हो तो इसके लिए मैं जल्दी से ही एक वीडियो शूट करने वाली हूँ। आप जाकर वहाँ पर पर्पल की ऑल इन्फॉर्मेशन जान सकते हो। एंड सेकेंडली, मैंने जो ये सब कुछ परचेज किया है, ये मैंने एलाइट मेंबरशिप से परचेज किया है। एलाइट मेंबरशिप जो है ये भी बहुत अच्छी मेंबरशिप है, इसके थ्रू आपको हर चीज़ में 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट 250 का है तो आपको ये 130 रुपये का पड़ जाएगा, तो काफ़ी अच्छे एलाइट मेंबरशिप है। अगर ये आप इसके बारे में भी नहीं जानते हो तो डेफिनेटली मैं आपको इसके बारे में भी आपको बता दूंगी, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगी इस चीज़ के लिए। सो या मैं ज़्यादा बातें नहीं करूंगी इस वीडियो में, बिकॉज ये हॉल बहुत लंबा होने वाला है और इसीलिए मैंने इस हॉल को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी हेयर केयर और स्किन केयर के प्रोडक्ट के बारे में, एंड जो नेक्स्ट जो मेरा पार्ट टू होगा उसमें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी मेकअप के जो मैंने प्रोडक्ट लिए हैं purple.com से और जो मैंने अदर चीज़ ली हैं उनके बारे में। तो या अब जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, purple.com अगर आपको नहीं पता है तो आप प्ले स्टोर से जाके उसका ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको उसमें डिफ़िकल्टी है तो या मैं purple.com का लिंक ऐप का जो लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लेना। और purple.com पे शॉपिंग के लिए कहीं ना सेल चलती ही रहती है, तो 40% 30% 50% के ऑफ में चलता ही रहता है। तो या मैं स्टार्ट कर लेती हूँ। तो या सबसे पहले मैं जो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है कुछ गुड वाइब्स के जेल एंड फेस मास्क एंड स्क्रब। तो बाकी की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सभी का प्राइस और जो भी इसकी लिंक होगी इनके प्रोडक्ट की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप डायरेक्टली भी जाकर ले सकते हो जो प्रोडक्ट आपको पसंद आएगा। तो या देखो, मैंने ये पूरा एक बॉक्स भर के आया है, आप देख सकते हो। एंड इसके अगर मैं बबल और प्लास्टिक हटा देती हूँ तो या इस तरीके से आप देखो ये सभी प्रोडक्ट मुझे रिसीव हुए हैं। तो या मैं फर्स्ट जो प्रोडक्ट आपको बताने वाली हूँ ये है फेस मास्क, और ये ऑल आप देख सकते हो, वन सेकेंड, ये है देखो फेस मास्क, ऑल फेस मास्क है ये, एंड 1, 2, 3 and 4 and 5, ये मैंने 5 फेस मास्क लिए हैं। सो या अब मैं बता देती हूँ कि मैंने कौन कौन से फेस मास्क लिए हैं। ओके, मैंने फर्स्ट जो फेस मास्क लिया है वो है मेरा ये ग्रीन टी का फेस मास्क, और ये बहुत अच्छा है। और सबसे पहले मैं पैकेजिंग सिर्फ आपको एक सी प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ऑल पैकेजिंग आर सेम, सबकी पैकेजिंग सेम है प्रोडक्ट की। तो या इसकी पैकेजिंग मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये इस तरीके से आया है, इसका गोल्ड कलर का एक ढक्कन है, बहुत ही प्यारी सी रॉयल तरीके का इसका एक पूरा कंटेनर को बनाया गया है। और इसके कंटेनर की बात करूँ तो ये प्लास्टिक का कंटेनर है ये, और कुछ कंटेनर है जो ग्लास के भी हैं, और इसके ऊपर इस तरीके से इन्होंने जो पैकिंग होती है इस तरीके से प्लास्टिक पैकिंग दे रखी है इन्होंने पॉलोथीन की। तो यह इस तरीके से ये प्रोडक्ट है, आप देख सकते हो इसमें इन्होंने अपना इसके प्रोडक्ट का बार कोड नंबर डाला हुआ है। तो या इसको अगर मैं ओपन करके देखूँ तो आप देख सकते हो, तो या ये इस तरीके से आया है पूरा, ये खाली नहीं है, ये बंद इस साइड में पूरा फैल गया है, ढक्कन पे आ गया है क्योंकि ये इस तरीके से रखा था इसलिए। तो या इसकी जो टेक्सचर है लाइट पिस्ता कलर का है, जो जैसे पिस्ता
माता का कलर होता है ऐसा कलर है, बिल्कुल बहुत लाइट कलर है ये। और ग्रीन टी फेस मास्क है तो या कलर भी इसका ग्रीन टी की तरह ही होगा। तो या ये है मेरा फर्स्ट फेस मास्क। एंड सेकंड जो फेस मास्क है वो है मेरा ये है एलोवेरा कुकुम्बर डिटॉक्स फेस मास्क। ये भी सेम पैकेजिंग के अंदर है, आप देख सकते हो इस तरीके से। और इनकी प्राइस वो ही शायद 113 रुपए की समथिंग मुझे पड़ी थी, तो या 113 रुपए इनकी पैकेजिंग इनकी प्राइस है। और ये सब ऑल सेम है, मैं इनको सबको ओपन करके दिखा रही हूँ आपको। सेम कंटेनर है, सेम सब कुछ है, बस इसका जो टेक्सचर है ये थोड़ा अलग है। ओके, ये भी सेम वैसे तो ग्रीन टी की तरह ही लग रहा है ये फेस मास्क भी, लेकिन इसकी स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। और तो ये है मेरा सेकंड फेस मास्क। और थर्ड फेस मास्क मैंने जो यहाँ पर लिया है वो है एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लींजिंग फेस मास्क। क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है यार समर चल रहा है, और समर में ये फेस मास्क बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि इतनी टैनिंग वाली स्किन हो जाती है हमारी और बहुत डिफिकल्टी होती है यार, तो गर्मियों को तो पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो या इसलिए मैंने जो चारकोल मास्क लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि मैं इसको यूज करना चाहती थी। और वाह, ये थोड़े से ना अजीब ग्रेस से कलर में है, ये ग्रेस कलर लग रहा है इसका। और ये पूरा ढक्कन पे आ गया है क्योंकि ये उल्टे करके ऐसे रखे थे तो सारे एक साइड पे हो गया है इनका पूरा, इनका जो टेक्सचर है फेस मास्क है जो ये। ओके, इनकी मैं क्वांटिटी अगर आपको बताऊं तो ये 50 ग्राम की इसकी क्वांटिटी है। और फेस मास्क जो जितने भी मैंने लिए हैं, जेल भी मैंने जो लिए हैं, ये सब मैंने 50 ग्राम्स के अंडर में लिए हैं। तो या ये 50 ग्राम्स है पूरा। नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है ग्रीन टी का ब्लेमिश कंट्रोल स्क्रब। मैंने लिया है ग्रीन टी का स्क्रब। स्क्रब की वैरायटी मैंने ज़्यादा ली नहीं थी, सिर्फ दो ही लिए थे, एक तो ये लिया है और एक स्क्रब और लिया था। तो या इसमें छोटे छोटे से बीट्स दिखाई दे रहे हैं लाइट पिस्ता कलर का, ये भी सेम लाइट पिस्ता कलर का है। स्मेल इज गुड यार, कौन सी क्रीम आती थी, एक क्रीम आती थी ऐसी, उसमें से स्मेल आती है सेम इस तरीके की स्मेल आती है इनको प्रोडक्ट में से। तो या ये मेरा है नेक्स्ट फेस पैक। और सेकंड जो मैंने किस पैक के लिए फेस स्क्रब के लिए मैं बात कर रही थी, ये फेस का स्क्रब नहीं है, ये लिप स्क्रब है। और ये है कोकोनट का लिप स्क्रब, गुड वाइब्स का कोकोनट। ओके, नेक्स्ट जो मैंने स्क्रब लिया है वो लिया है मैंने गुड वाइब्स का कोकोनट लिप स्क्रब, मतलब लिप का स्क्रब है ये। और ये इस तरीके से पैकेजिंग में आया है पूरा पैक। ओके, तो या इसको ओपन कर लेती हूँ, ये और ओपन नहीं। ओके, ये ऐसे छुटकू सी टिप्पी में आया है, आप देख सकते हो इसको, और मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। ओके, ये इस तरीके से छोटी सी कंटेनर में आया है, बहुत प्यारा लग रहा है। और मैं इसको अगर ओपन करूँ तो ये ओपन, ओके वाओ, ये कैसा है, ये पूरा ना ओ वाओ फूट रहा है, तो वाओ स्मेल इज वेरी गुड। वाओ, कोकोनट की चीज़ें मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा कोकोनट की। मैंने बाकी का जो अगला नेक्स्ट बॉक्स दिखाऊंगी आप उसमें भी कोकोनट की आपको चीज़ ज़रूर मिलेगी। तो ये स्क्रब है लिप का, और लिप स्क्रब मेरे पास में कभी मैंने यूज़ नहीं किया है, फर्स्ट टाइम मैंने ये लिप स्क्रब खरीदा है। तो या ये है गुड वाइब्स का कोकोनट लिप स्क्रब। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ वो है यहाँ पर क्रीम के बारे में। मैंने यहाँ पर डे क्रीम एंड नाइट क्रीम नरसिंग के क्रीम गुड वाइब्स की, ये भी गुड वाइब्स की है आप देख सकते हो। और इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो किस तरीके से इसका गोल्ड का ये चमक रहा है बिल्कुल। तो या इसकी पैकेजिंग इनकी बहुत अच्छी है सबकी। और ये सेम कंटेनर का बहुत सेपरेट जो इस तरीके से ढक देते हैं, सेपरेट एक प्लास्टिक का ये दे रखा है ढक्कन, उसको बहुत अच्छी है ऑलवेज इसकी। तो या ये हो गई मेरी ये मैंने ली है नरसिंह डे क्रीम सेफ्रॉन की। एंड नेक्स्ट जो मैंने क्रीम ली है वो है ये कोकोनट की ब्राइटनिंग फेस क्रीम, मतलब कि फेस को ब्राइट करने वाली फेस क्रीम, ये भी कोकोनट में ही है। तो या ये है देखो कोकोनट की गुड वाइब्स की कोकोनट क्रीम।
और ये ब्राइटन के लिए है, बाकी का मैंने यूज कोई सी भी नहीं किया है। मैं जरूर देखूंगी कि इनका रिजल्ट कैसा है। तो या स्मेल बहुत अच्छी है क्योंकि कोकोनट का है, बहुत अच्छी स्मेल है। इस तरीके से पैकेजिंग में आया है, 50 ग्राम्स के पूरा कंप्लीट इनका क्वांटिटी है इनकी। तो या ये भी बहुत अच्छी है। ओके, नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर लिया है, दूसरा 13 जो मैंने यहाँ लिया है वो है गुड वाइब्स की वीट ग्राम। नेक्स्ट मैंने जो यहाँ पर क्रीम लिया है वो है मेरी गुड वाइब्स की वीट ग्राम नरिशिंग नाइट क्रीम। ये देख सकते हो, ये नाइट क्रीम है ये, और डेफिनेटली मैं इसको जरूर यूज करना चाहूंगी। और यार की पैकेजिंग मैं निकाल देती हूँ और इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ओके, स्मेल इज वेरी गुड अगेन, और फिर से वही क्रीमी टेक्सचर है, वही व्हाइट कलर में है। सो या क्रीम, तीनों जो क्रीम थी उनका कलर सबका सेम ही था। तो या ये है नेक्स्ट मेरी क्रीम। उसके बाद में जो मैंने नेक्स्ट लिया है वो है मेरे पास में जेल, और आप देख सकते हो मैंने ये जेल ली है, और इसके साथ में मैंने ये जो बड़ी जेल, आप देख सकते हो ये बड़ी वाली जेल है, मैंने इसको खोला नहीं है। तो या मैं इसको खोल लेती हूँ। ये है 3-4 जेल मैंने ली है। तो पहले इसी से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये है, ये मैंने लिए है एलोवेरा जेल, जो इसकी क्वांटिटी है नेट 300 ग्राम की क्वांटिटी है। पैकेजिंग वही इस तरीके से सेम है, लेकिन इसका जो ढक्कन है थोड़ा सा चीप है और ढक्कनों की बजाय। तो या इसको मैं ओपन कर लेती हूँ, ये इस तरीके से है। और हाँ, एलोवेरा में पता खासियत क्या होती है, आप पतंजलि की एलोवेरा देखना, एलोवेरा जेल देखना, उसमें क्या होता है, वो ग्रीन कलर का उसमें कलर आता है मिक्स। लेकिन इसका जो आप देखो, इसमें कहीं भी क्रीम आपको लग नहीं रहा होगा कि ग्रीन है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में है। और जैसी मैंने इसको ओपन किया है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इनमें से, मोस्टली प्रोडक्ट में से सेम सी स्मेल है, और जो काफ़ी अच्छी है, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है और काफ़ी टाइम तक चलने वाला है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी है, और मसाज वगैरह के लिए गर्मियों में बहुत आपको इसकी बहुत नीड होती है, तो आपको ये जरूर लेनी चाहिए। तो या ये मैंने नेक्स्ट लिया है गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल। और नेक्स्ट मैंने जो जेल में लिया है वो है मेरे पास में ऑरेंज जेल एंड रोज एंड मुलबेरी जेल वाटर मेलन जेल। तो या मैंने ये ऑरेंज जेल, आप देख सकते हो ऑरेंज जेल को, कंटेनर फिर से वही सेम है प्लास्टिक में, ये प्लास्टिक की पूरी पैकेजिंग है वही सेम, सेपरेट करने वाला एक ढक्कन लगा हुआ है, और ऑरेंज की बहुत मस्त खुशबू आ रही है। मतलब आप इसको फ्रिज में रख दो, और जब आप ऑफिस से आओ तो आके अपना फेस वगैरह वॉश करके, फेस वॉश से, और आपका ये आप जेल लगा लो, कितना सुकून मिलेगा आपको, सोच के देखो, भला इमेजिन करो कितना सुकून मिलेगा। तो भाई मैं तो ये डेली यूज में यूज करने वाली हूँ। तो या ये है गुड वाइब्स की ऑरेंज जेल। नेक्स्ट मैंने आज जो जेल लिया वो है वाटर मेलन जेल। इससे पहले मैंने वाटर मेलन में ऐसा कुछ नहीं देखा है। हाँ, एक बार फेस वॉश आता है लैक्मे में, फेस वॉश आता है वाटर मेलन का, लेकिन जेल का मुझे नहीं पता। सो या मैं इसको ट्राई करना चाहती थी और एक्साइटेड भी थी इसको देखने का कि कलर कैसा होगा इसका। तो वाओ, इसका कलर वही वाटर मेलन की तरह लाइट पिंकी पिंकी कलर है, आप देख सकते हो लाइट पिंकी पिंकी कलर है ये। और ये भी इस तरीके से क्वांटिटी वही सेम 50 ग्राम की है। और इसकी स्मेल की बात करूँ तो मैं वही लाइट वाटर मेलन की आ रही है, मतलब कि इतनी खुशबू नहीं होती है वाटर मेलन में, पर या जब आप उसको थोड़ी सी स्मेल जो उसकी होती है, थोड़ी थोड़ी भीनी भीनी सी खुशबू होती है, वही भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है इसके अंदर से। तो या ये है नेक्स्ट जेल। और इससे नेक्स्ट जो जेल है मैंने लिए रोज एंड मुलबेरी जेल। मुलबेरी के प्रोडक्ट एक्चुअली मैंने बहुत सुना है मुलबेरी के बारे में, लेकिन मैंने मुलबेरी के प्रोडक्ट कभी यूज नहीं किए। तो मैं इसके लिए भी बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे को जानना है कि एक्चुअली मुलबेरी की स्मेल होती कैसी है। तो या इसलिए मैंने मुलबेरी के कुछ प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो ये मेरा फर्स्ट है, तो प्लीज मुझे डिसअपॉइंट मत करना मेरी प्यारी सी मुलबेरी। तो या कंटेनर फिर से वही सेम है, सेपरेट ढक्कन, इसका कलर मेलन का जो
जेल था उससे थोड़ा सा हल्का सा डार्क है, 2-3% पिंक कलर में है ये भी सेम। स्मेल तो बहुत अच्छी आ रही है क्योंकि रोज की स्मेल ज़्यादा आ रही है, मुलबेरी की स्मेल मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है और मुझे पता भी नहीं है मुलबेरी की स्मेल होती कैसी है एक्चुअली। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट कोई आएगा मुलबेरी की तो उसमें पता चलेगा क्योंकि इसमें रोज की स्मेल ज़्यादा आ रही है। तो या ये हो गए मेरे ऑल जेल। नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर आपके लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ वो है मेरे ये फूड थेरेपी, मतलब देख सकते हो ये इस तरीके से सीट मास्क है, जहाँ पर मैंने 2 सीट मास्क लिए हैं। ये है कुकुम्बर एंड लेमन, दोनों सीट मास्क को मैं जरूर अप्लाई करूँगी और एक वीडियो भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। और मैं आप लोगों को बता दूँ इसके अंदर से सिर्फ एक ही सीट मास्क निकलता है, 2 सीट मास्क नहीं निकलते हैं। और ये वैसे तो 99 रुपये की इसकी प्राइस दे रखी है लेकिन ये मुझे 50 रुपये के पड़े हैं, मतलब 50-50 दोनों 100 रुपये के पड़े हैं। तो या दोनों फेस सीट मास्क ये मैंने नेक्स्ट ये है मेरे दोनों सीट मास्क। और उसके बाद में इन सभी बॉक्स में इन सभी जो मैंने साम प्रोडक्ट लिए हैं उनके ऊपर उस टाइम पे ऑफर चला था कि आप अगर 10 प्रोडक्ट से ज़्यादा लेते हो गुड वाइब्स के तो आपको उस पर एक क्रीम फ्री मिलती है। तो या मुझे यहाँ पर एक छुटकु सी 10 ग्राम की ग्रीन टी की क्रीम फ्री मिली है, ये मुझे फ्री मिला है। तो या तो ये बॉक्स मेरा एक तो हो चुका है। नेक्स्ट बॉक्स में यहाँ पर जो लेने वाली हूँ वो है मेरा नेक्स्ट बॉक्स, आप देख सकते हो इसमें कुछ फेस वॉश है, कुछ फेस मिस्ट है फेस के लिए। तो या ये फेस वॉश, बहुत सारे फेस वॉश लिए हैं मैंने यहाँ पे क्योंकि मैं कुछ न्यू फेस वॉश थे तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना ट्राई किया जाए कि इनका रिजल्ट कैसा हो सकता है। तो या जो मेरा पहला फेस वॉश है ये है गुड वाइब्स का नीम डीप क्लीनिंग फोमिंग फेस वॉश। तो ये नीम वाला फेस वॉश है, आप देख सकते हो ढक्कन इसका बहुत सही लग रहा है मुझे तो, और काफ़ी लिक्विडी फॉर्मूला है। तो या इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। और ये जो स्किन टाइप वालों के लिए है ये 150 ml का है और ये इसमें लिखा हुआ है ना नो पैराबेन नो सल्फेट नो मिनरल ऑयल, ये सब इन्होंने इसमें लिख रखा है। ऑल स्किन टाइप, तो इनके जो गुड वाइब्स के प्रोडक्ट है वो वैसे तो ऑल स्किन टाइप वालों के लिए हैं। तो या इसकी तरह इसमें एक इस तरीके से ढक्कन आया है, ये लगा हुआ सॉरी ये ढक्कन आया है इसे लगा हुआ और ये इसमें इस तरीके से इसको पंप दिया हुआ है। जैसे हम इसको पंप करेंगे तो या ये इस तरीके से प्रोडक्ट निकलेगा, ये ज़्यादा ना निकल जाए इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। ओके ये सरप्राइज कर दिया इसने मुझे, देखो आप देख सकते हो ये लिक्विड है फॉर्म में, ये लिक्विड वाटर जैसा लग रहा है सेम। और जब इसको मैंने पंप करके निकाला तो ये देखो ये फॉर्म निकली है इसके अंदर से, वाओ मतलब ये इसने मुझे सीरियसली सरप्राइज कर दिया। ये पहला ऐसा मैंने फेस वॉश देखा है कि ऐसा भी कुछ प्रोडक्ट होता है। तो क्या ये है मेरा फेस वॉश, फर्स्ट फेस वॉश। एंड नेक्स्ट मेरे पास में जो फेस वॉश है ये है पीच हाइड्रेटिंग फोमिंग फेस वॉश, आई थिंक शायद ये भी सेम उसी की तरह होगा और ये फिर से वही ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। और इसकी पैकेजिंग भी वही पैकेजिंग इनकी बहुत सही है, मतलब कोई चांस ही नहीं है इनका कि हाँ यूज़ करके या कुछ फेक प्रोडक्ट नहीं है, नो। सो या सेम पैकेजिंग है ये, ढक्कन इसका इस तरीके से और शेक करके देख रही हूँ झावा हो जाए। ओके आप देख सकते हो ये भी फोम वाली फोम में है ये, तो ये भी फोम फेस वॉश है या पीच में, और फ्रेग्रेंस बिल्कुल पीच कलर पीच की आ रही है, जैसे पीच में से आती है जैसे वो लैक्मी का पीच लोशन आता है ना सेम उसकी तरह स्मेल आ रही है। तो या नेक्स्ट मेरा जो थर्ड फेस वॉश है ये है मेरा मुलबेरी लाइटनिंग फेस वॉश, ये 120 ml का है और इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है नो पैराबेन, ये पैराबेन फ्री है।
या इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, इस तरीके से पैकेजिंग है। इसका फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा इतना लिक्विडी नहीं है, ओके। तो इसको अगर ओके, इसको ना ओपन करना पड़ेगा, तो इसको जैसे यूं घुमाएंगे ना तो ये ओपन हो गया, या ये ओपन हो गया है। और आपको मैं इसको दिखा दूं निकाल के, वैसे तो इसमें से देखो इस तरीके से कुछ इस तरीके से निकला है, ये लाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में लग रहा है। ये इसमें देखने में हल्का हल्का पीची पीची कलर लग रहा है ये, लेकिन इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और स्मेल बहुत अच्छी है अगेन। या ये था मेरा तीसरा फेस वॉश। एंड इसके बाद है मेरे पास में हनी मॉइस्चराइजर फेस वॉश, ये फिर से मेरे पास में है गुड वाइब्स का हनी फेस वॉश। पैकेजिंग आर सेम और इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी सेम ही है। तो या मैं इसको ऊपर नहीं करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट जो मैंने फेस वॉश लिया है वो लिया है मैंने एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लीजिंग फेस वॉश। ये देखो मैं एक वीडियो आप लोगों के सामने शेयर करूंगी जिसमें जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल डीप क्लीजिंग फेस वॉश है, फेस पैक है, फेस स्क्रब है, जो भी प्रोडक्ट है मेरे पास में, चारकोल के पिंक मास्क वगैरह, इन सबका एक मैं सेपरेट रिव्यू शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो या ये है नेक्स्ट एक्टिवेटर चारकोल फेस वॉश। नेक्स्ट टर्मरिक है, तो या इसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम है और बाकी का इसका कलर है वो लाइट लाइट मस्टर्ड मस्टर्ड कलर में कुछ इस तरीके से आ रहा है, आप देख सकते हो। पैकेजिंग बिल्कुल सेम है, वही इसको स्क्रोल करना है और ये इस तरीके से आ जाएगा निकल के। नेक्स्ट मेरे पास में जो फेस वॉश है वो है रोज मेरी इल्यूमिनेटिंग फेस वॉश। रोज मेरी की ऑयल बहुत अच्छा आता है, तो मैं इसका और रोज मेरी का जो प्रोडक्ट है उनको एक साथ में किसी वीडियो में यूज करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये फेस वॉश लिया है। बाकी इसका वर्क कैसा रहेगा मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और मुझे ये बहुत ही पार्ट में डिवाइडेड करना पड़ेगा कि मैं एक हफ्ते तक ये यूज करूं, फिर नेक्स्ट हफ्ते ये यूज करूं, तभी मुझे इनका रिजल्ट पता चल पाएगा, नहीं तो एक एक दिन में कुछ भी नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिए हैं गुड वाइब्स के लिली ऑफ द वैली और ज्यूवेरी का बॉडी मिस्ट। ये दो बॉडी मिस्ट लिए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि बॉडी मिस्ट के बारे में मैंने पहली बार सुना था, कि मैं देखना चाहती थी कि यार एक्चुअली ये होते क्या है। तो या मैं इसकी स्मेल थोड़ा चेक कर लेती हूँ। ओके सो गाइज देखो ब्लूबेरी की स्मेल बहुत अच्छी है, लेकिन ये लिली ऑफ द बेली बॉडी मिस्ट इसकी स्मेल बहुत घटिया, मतलब बकवास है, एकदम सिर दर्द वाली स्मेल है इसकी। तो या जिनको लिली की खुशबू अच्छी लगती है वो डेफिनेटली ले सकते हैं, लेकिन मैंने ड्यूबेरी की खुशबू मुझे बहुत सही लगी है, तो या मैं इसको यूज नहीं करूंगी, मुझे ये अच्छा नहीं लगा प्रोडक्ट। बाकी का बॉडी मिस्ट आपके क्यों यूज में आते हैं, किस यूज में आते हैं, इसके बारे में आपका क्या हो चुका है खाली, कोशिश करूंगी कि मैं इसको पार्ट टू में डिवाइड कर सकूं। ओके नेक्स्ट मेरे पास में ये देखो ये प्रोडक्ट मैंने लिए हैं, जिसमें मेरे पास है शैम्पू और शावर जेल, ये सब है इसके अंदर और कुछ है लोशन। तो या मैंने ये लिए हैं, मैंने पहले जो मेरे हाथ में आया ये है लोशन, ये है ग्रीन टी का ऑयल कंट्रोल मेकअप क्लीजिंग लोशन, मेकअप क्लीजिंग लोशन है ये इस तरीके से, मतलब मेकअप वगैरह हटाने के लिए ये लोशन है और ये ग्रीन टी का है। और नेक्स्ट मेरे पास में शायद लोशन मैंने एक और लिया था, या नेक्स्ट लोशन है मेरे पास में रोज इल्यूमिनेट, नेक्स्ट लोशन है मेरे पास में गुड वाइब्स का रोज इल्यूमिनेटिंग बॉडी लोशन जो है रोज में। और इनकी अगर मैं स्मेल और फ्रेग्रेंस के बारे में बात करूँ तो या ये कुछ कुछ वाइट और कुछ कुछ रेड कलर में ये निकला है, जैसे टू टोन में कुछ होता है, टू टोन टाइप में इसकी क्रीम है। तो या
स्मेल बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। वैसे सब प्रोडक्ट की खुशबू बहुत अच्छी है। और ये है ग्रीन टी का, कि मैं स्मेल चेक कर लेती हूँ, आप लोगों को मुझे बताना भी आसान रहेगा बिना है या नहीं। आपको ये फिर से वही पंप में आया, ये ओपन हो चुका है यहाँ से। तो या ये ग्रीन कलर में है पूरा, और आप देख सकते हो, देख सकते हो कहाँ जा रहा है, देखो देखो। तो आप इसी चीज से अंदाजा लगा ली कि ये कितना क्रीमी फॉर्मूला होगा, कितना क्रीमी ये फॉर्मूला होगा। इसमें बहुत अच्छी है अगेन। सो या बहुत अच्छे हैं। सो या ये टोनर आप देख सकते हो, ये टोनर, तीन टोनर मैंने लिए हैं और ये इस तरीके से पैकेजिंग में आए हैं, ओपन नहीं किया है मैंने उनको। सो या मैं इसको ओपन कर देती हूँ। सो या मेरे पास में है ये तीन टोनर, ग्रीन टी, मुलबेरी एंड कुकुम्बर। ये तीनों मैंने टोनर लिए हैं और मैं इनको बिल्कुल भी टेस्ट करना नहीं भूलूंगी, मुझे ये जरूर टेस्ट करनी है, मुझे इनकी स्मेल जाननी है। तो या आप देख सकते हो ये फिर से ऑलरेडी प्लास्टिक कंटेनर में है, पैकेजिंग पूरी कर रखी है इन्होंने, ढक्कन के साथ में मुझे ये देखो, ये मुझे बहुत सही लगता है कि सेपरेट अगर कोई चीज़ मिल जाती है ना आपको, ढक्कन एक सेपरेट हो जाता है तो उसका खराब होने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो या ये है टोनर, ग्लो टोनर है ये, मुलबेरी का ग्लो टोनर। तो इसको हल्का सा शेक कर लेती हूँ एंड है बहुत सही है। मुझे जाना था कि मुलबेरी की खुशबू कैसे होती है, तो इसलिए मैंने ये प्रोडक्ट खरीदा था। सो उसमें पता नहीं चला था, क्योंकि उसके साथ में रोज भी मिक्स, रोज प्लस मुलबेरी जेल था वो, उसमें पता नहीं चला था रोज की स्मेल आ रही थी। तो या ये है मुलबेरी का ग्लो टोनर। नेक्स्ट जो मेरे पास में टोनर है ये है कुकुम्बर ग्लो टोनर, ये भी ग्लो टोनर है। और टोनर आपको पता ही होगा, और आपकी बॉडी के लिए, आपकी फेस के लिए, आपकी फेस के लिए टोनर बहुत जरूरी, फेस के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि टोनर आपकी स्किन को आपके हार्मफुल जो मेकअप वगैरह होता है ना उससे आपको बचाता है, वो आपके अंदर तक जाने नहीं देता, और जो आपके ओपन पोर्स होते हैं उनको ये क्लोज करने की कोशिश करता है। तो या इसकी खुशबू में, इसकी खुशबू अगेन बहुत अच्छी है। और आप देख सकते हो ये है गुड वाइब्स का ग्रीन टी का ग्रीन टी टोनर, और इसकी स्मेल भी चेक कर लेते हैं, शेक कर लूंगी। इसकी स्मेल अगेन बहुत अच्छी है और मन कर रहा है कि इस पे लगा लूं, मजा आ गया मतलब। तो ये था मेरा नेक्स्ट टोनर मेकअप के पे, देखो मैंने टोनर लगा लिया मेकअप फिक्सर समझ के, हद हो गई है। ओके तो या नेक्स्ट है मेरे पास में ये कुछ शैम्पू हैं और कुछ कंडीशनर भी हैं इसके अंदर। सो ये देखिए, ये है मेरे पास में कुछ कंडीशनर और कुछ शैम्पू। सो या फर्स्ट जो शैम्पू है ये है गुड वाइब्स का बनाना शाइनिंग शैम्पू 200 ml, और इसी का ही मैंने सेम कंडीशनर भी लिया है इसके साथ में बनाना का। इससे पहले मैंने बनाना में कोई भी शैम्पू या कंडीशनर या कोई भी चीज़ यूज़ नहीं की है। तो या मुझे ये स्क्रीन पे बार बार दिख रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो यार इनको यूज करके देखते हैं कि सीरियसली ये इफेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो या इनका रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट जो मैंने लिया है इसके बाद, ये है मेरा गुड वाइब्स का कोकोनट हाइड्रेटिंग शैम्पू। कोकोनट की मैंने सारे प्रोडक्ट उनके ले चुकी हूँ, जो जो हैं, और जो थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मैं उनको भी लेने वाली थी। सो या ये फिर से अगेन है एक शैम्पू। नेक्स्ट जो है मेरे पास में ये है ALPS गुडनेस का प्लस स्विस लव।
ये एक शैम्पू है और ये एक ब्रांड है ALPS का, अल्तिस बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं यार, देखो नाम मुझे कंट्रैक्ट बिल्कुल क्लियर नहीं पता है। सो प्लीज मेरे थोड़े थोड़ा सा सोच ले, थोड़ा एडजस्ट कर लेना यार। तो यार ये है ALPS का गुडनेस विज लव और ये एक शैम्पू है, और ये शैम्पू मैं आपको बता दूं, ये इसका जो शैम्पू है ये है कोकोशनस एंड मैंडल, कोकोशनस एस मैंडल, आप देख सकते हो, मैं आपको जूम करूंगी। फेस पाउडर्स, मतलब फेस पैक पाउडर्स के बारे में, असेंशियल्स ऑयल के ऑयल्स के बारे में, एंड कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स के बारे में, जिसमें मैंने कुछ NY के प्रोडक्ट्स लिए हैं और कुछ लिए हैं मैंने स्टिक्वेरी के प्रोडक्ट। सो या ये था मेरा स्किन केयर और हेयर केयर के ऊपर पार्ट फर्स्ट, गुड वाइब्स का पार्ट फर्स्ट। सो या आपको अगर कैसा लगा, आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं purple.com पे। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के फर्स्ट में बता दिया था, मैं पर्पल के आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगी कि एक्चुअली ये है क्या, ऐप है क्या, है कैसा है, किस तरीके से इसकी सर्विस है, क्या है, वो सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और कोई भी अगर purple.com के लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज है तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो शूट कर दूंगी, जल्दी ही आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो या ये हो गया मेरा पार्ट कंप्लीट, और मुझे जल्दी से मुझे पार्टों की तैयारी करनी है। तो नाउ अभी के लिए मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, एंड अभी के लिए बाय बाय।